हैं बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया है। मैक्सवेल की ऐतिहासिक पारी से ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली है। ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद दोहरा शतक बनाया, 201 रन बनाए हैं। मैक्सवेल ने 128 बॉल में 201 रन बनाए हैं। मैक्सवेल 21 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर बरकरार है, यानी एक तरह से ये कहा जा सकता है 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर, अगर टेबल पॉइंट्स पॉइंट्स टेबल पर अगर ऑस्ट्रेलिया रहता है तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सेमीफाइनल की रेस में ऑस्ट्रेलिया जो है वो शामिल है, क्योंकि बेहद शानदार प्रदर्शन जो है वो आज मैक्सवेल का रहा। ऐतिहासिक पारी ने ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल कर दी। एक तरह से अफगानिस्तान जो है वो ये कहा जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा 91 रन पर 7 विकेट गिरा देने के बावजूद अफगानिस्तान को हार मिली है। वजह सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बेहद शानदार प्रदर्शन जो है वो मैक्सवेल की तरफ से किया गया, 201 रन बनाए हैं 128 बॉल पे मैक्सवेल ने। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान बने हुए हैं राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। सुनील यश काला, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही मनदीप कौर, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ गई हैं। बंकिम चंद्र, पूर्व क्रिकेटर सेंसेक्स क्लब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सुनील यश काला जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, और क्योंकि मैक्सवेल ने मुझे लगता है आपको आज आईपीएल की याद दिला दी, जब वो पंजाब में थे और देखा है कि एक तरफा जब वो खेलते हैं तो 100 रन, 200 रन, 201 रन आज उन्होंने बनाए, डबल सेंचुरी, बहुत बड़ी बात। अफगानिस्तान का जीता हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला गया, ऑस्ट्रेलिया को जीत मिल गई। सबसे बड़ा अपसेट, ग्रेटेस्ट अपसेट इन द हिस्ट्री ऑफ वन डे क्रिकेट, छोड़िए पूरे क्रिकेट इतिहास के अंदर जो सबसे बड़ा होने वाला था, आज वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रन चेज बाय अ मिडिल ऑर्डर, ये अपने इतिहास में अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये हमने क्या देखा है, इतने बड़े कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ गेम आज तक नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही क्योंकि एक तरह से ये देखा जाए, हमारे साथ मनदीप कौर भी जुड़ गई हैं, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। मनदीप कौर, आप कैसे देखती हैं मैक्सवेल की इस पारी को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बहुत मेहनत के साथ आज एक तरह से गेम स्प्रिट जो है वो नजर आ रही थी मैदान में। अफगानिस्तान ने बहुत शानदार खेला, ऑस्ट्रेलिया तो लास्ट तक बहुत शानदार खेलती हुई नजर आई, पूरा क्रेडिट मुझे लगता है मैक्सवेल को जाना चाहिए। ये आप सही कह रहे हैं कि जब मैक्सवेल खेल रहे थे तो सबको था कि अगर मैक्सवेल रहेंगे तो ये गेम ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ही रहेगा। सब वेट कर रहे थे कि अगर मैक्सवेल अगर आउट होते तो ये मैच 100% अफगानिस्तान के फेवर में जाता जी। तो आज देखा जाता है मैक्सवेल ने अपने लिए नहीं अपनी कंट्री के लिए खेला, बहुत जरूरी था ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीत के देने के लिए, अदरवाइज ये बहुत बड़ा इतिहास रचा जाता कि अफगानिस्तान अगर आज ऑस्ट्रेलिया को मार देती तो। बिल्कुल, लेकिन वेट इसी का कर रहे थे। बंकिम चंद्र जी भी हमारे साथ हैं। बंकिम चंद्र जी, आप कैसे देखते हैं, मुझे लगता है कि ये 2 बदलाव जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने किए थे, और एक तरह से देखा जाए मैक्सवेल को आज खिलाया, मिशेल मार्श को खिलाया, क्योंकि स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन जो हैं उनकी जगह दोनों को खिलाया गया, और मैक्सवेल जो है मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को आज सूट कर गए, बहुत ज्यादा सूट कर गए। बट अंदर से तो अपन सब चाहते थे कि आज अफगानिस्तान जीते, एंड टू बी ऑनेस्ट वो ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे। एज राजकुमार जी ने कहा, बहुत बड़ा अपसेट रहा है ये। ऑफकोर्स रशीद खान खुद ससेक्स के लिए खेला करते थे, तो यहाँ पे इंग्लैंड में हम तो सब के सब अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान जीत जाए, बट ऑफकोर्स मैक्सवेल ने वो कर दिया जो हमारे कपिल देव जी ने किया था 1983 में, वो वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स भी दिखा दिया सबको। अमेजिंग मैच, congratulations to Australia, congratulations, big congratulations to Afghanistan as well, जी, क्योंकि उन्होंने जो इस वर्ल्ड कप में दिखाया है बिल्कुल अंडरडॉग, ट्रेनिंग उनकी ऑफकोर्स 3 साल से इंडिया में चल रही थी, हमारे इंडियन सीनियर्स के अंडर उन्होंने उस ट्रेनिंग का, उस मेंटोरशिप को बहुत ढंग से यूज किया और सबको दिखा दिया कि उनमें बहुत ज्यादा दम है, और नेक्स्ट 4 ईयर्स में वो जैसे श्रीलंका ने 15 साल पहले किया था उनमें भी दम है वर्ल्ड कप को जीतने का फ्यूचर में। बिल्कुल, राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं आज के मैच को, क्योंकि अफगानिस्तान भी बहुत शानदार खेलती हुई नजर आई, पावर प्ले की बात करें बहुत सदा हुआ उनकी तरफ से खेला गया। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम मैक्सवेल की बात करें तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप के लिए
मैक्सवेल ने मेमोरीज जो है वो क्रिएट कर दी आज के दिन। बिल्कुल अनन्या, मतलब एक स्टेज ऐसी थी कि कोई भी नहीं कह सकता था कि यहाँ से अफगानिस्तान ये मैच हार सकता है, बट इट इज देयर इनएक्सपीरियंस जो यही दर्शाता है कि एक नई टीम, जो छोटी टीम एक बड़े स्टेज पर जब खेल रही होती है, और एक्सपीरियंस कम होना वही आज नजर आया। और क्या मतलब मार्वलेस इनिंग के लिए मैक्सवेल ने, फुल क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू हिम, बहुत ही शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह की हिटिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लिया अफगानिस्तान ने, और उसके बाद उन्हें लगा कि हम ये मैच जीत गए हैं, जबकि मैच अभी दूर था, मैच में बहुत कुछ बाकी था, जो कि मैक्सवेल ने दिखाया कि जब तक लास्ट बॉल नहीं हो जाती, क्रिकेट में कहते हैं कि इट इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड, और वही आज मैक्सवेल ने दिखाया कि आप इतनी जल्दी नहीं कीजिए, अभी मैं हूं वहां पर। और इस हालत में उनकी, इतना स्ट्रगल कर रहे थे वो अपनी इंजरी से, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने देश के लिए एक बहुत ही शानदार मैच जीता, जो कि एक यादगार मैच है, एक ऐतिहासिक मैच है, जो उसे हमेशा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि उस दौर की यादें भी ताज़ा कर दी मैक्सवेल ने। आपको भी याद होगा राजकुमार सर, जब वो आईपीएल में हमने देखा है पंजाब के लिए खेलते थे, एंड एंड तक कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने 100 से ज़्यादा 150 रन बना बना कर भी मैच जो है वो अपने फेवर में, यानी कि पंजाब के लिए जीता है। बिल्कुल अनन्या, वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि वो चांस लेते हैं और बिग हिटर हैं वो, ऑन हिज डे ही इज अ मैच विनर, जो उन्होंने बार बार करके दिखाया है। इसीलिए अगर आपको याद हो, आरसीबी ने उनको बहुत बड़े अमाउंट से खरीदा था, कि क्योंकि वो एक बड़े मैच विनर है, और T20 में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक तरह से अपोजिशन को, जिस दिन उनका दिन होता है, वो जो कि उन्होंने आज पूरे वर्ल्ड को करके दिखाया, ना कि आईपीएल में बल्कि वर्ल्ड कप में, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मैं कहूंगा मैक्सवेल के लिए। बट अफगानिस्तान कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहा होगा अपनी फील्डिंग को, और जो उन्होंने बहुत इजी लिया, इतने चांसेस दिए मैक्सवेल को कि, और जब वो इंजर्ड हो गए थे फिर भी उन एरियाज में उन्होंने गेंदबाजी की जहां से वो आराम से पिक कर पा रहे थे, वो चौके छक्के मार पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस अफगानिस्तान को ले डूबा। बहुत शानदार प्रदर्शन किया था उससे पहले उन्होंने, जब 91/7 आउट कर लिए थे, और सभी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। इंडियंस, आपको पता है अनन्या, की बहुत फेवर करते हैं अफगानिस्तान की टीम को, बहुत फैंस हैं इंडिया में उनके, और सब सेलिब्रेट कर रहे थे कि आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। पहले 3 मैच उन्होंने जीते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया एक्सपीरियंस जो था वो कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ा। सुनील अश्काला जी, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान की बात करें, इब्राहिम जादरान की बात करें, 129 रन उन्होंने बनाए, बहुत शानदार जो है वो अफगानिस्तान की टीम खेल रही थी, पावर प्ले में एक विकेट गिरा, बहुत सदा हुआ खेल रहे थे, फिर 11 ओवर से अगर आप बात करेंगे 41 तक, तो बहुत शानदार और एक तरह से रोक कर उनकी तरफ से खेला गया, लेकिन मैक्सवेल ने सारा गेम बिगाड़ दिया। और मुझे लगता है वो T20 वाली एक दौर जो है वो मैक्सवेल ने याद दिला दिया हमें एक तरफ से वनडे में भी। देखिए आप अगर देखा जाए तो आज अफगानिस्तान ने बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया जैसी, और ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल ने बैटिंग की अफगानिस्तान जैसी। वो कैसे कि अफगानिस्तान ने अपनी इनिंग्स को पेस किया एज अ 50 ओवर मैच, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनके सारे बड़े, आज 3 बड़े 4 बड़े स्कोर जो हुए ओडीआई में वो इसी वर्ल्ड कप में हुए हैं, तो इनका मतलब है ये आराम से पेस कर रहे थे अपनी इनिंग, पूरा गेम प्लान से था, और 200 ऊपर 80 के ऊपर जहां आप चले जाते इसका मतलब वानखेड़ के पीच में आप बहुत वो है। बट यहाँ पे क्या किया, जैसी विकेटें गिरी, 7 विकेटें हुई, तो मैक्सवेल ने आगे इसको एक 20 ओवर की तरह से खेला, और जिस तरह से खेला वो, अभी भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही बैट्समैन है जिसको हम आईपीएल में देखते हैं। उसके लिए ये आईपीएल का मैच और नेट प्रैक्टिस लग रही थी, और यही सर कहेंगे कि ये काबिले तारीफ है, और इसीलिए एक एक्सपीरियंस और एक इनएक्सपीरियंस टीम का पता चलता है कि बड़े मैच में आप कैसे अपना मानसिक संतुलन खोते हैं, आप अपनी कैसी लय को खोते हैं, कैसे अपना रिदम खोते हैं, और कैसे आप मैच ही नहीं, आपने टूर्नामेंट खो दिया ये पूरा। बिल्कुल बंकिम चंद्र जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस वक्त मैक्सवेल खेल रहे थे और इतनी शानदार पारी वो खेल रहे थे, उस वक्त एक तरह से देखिए, एक तो एंड ऑफ द एक तरह से ओवर्स जो हैं वो चल रहे थे, प्रेशर बहुत ज़्यादा था ऑस्ट्रेलिया पर, लेकिन मैक्सवेल ने एकदम ये शो होने नहीं दिया कि वो प्रेशर, जाहिर सी बात है क्योंकि नेक टू नेक फाइट जो है वो दिख रही थी,
क्या आपको एक तरह से अफगानिस्तान की तरफ से जो फील्डिंग है वो बहुत वीक नजर आई? ऑफ कोर्स फील्डिंग में वीकनेसेस थे, बट इसके साथ साथ मैक्सवेल की आज किस्मत भी बहुत अच्छी थी. अपन को पता है दो ड्रॉप कैचेस थे, एक LBW वाला रिव्यू था. तो ओवरऑल आज मैक्सवेल का ही दिन था, उसी की किस्मत बहुत बढ़िया थी. ऑफ कोर्स अफगानिस्तान का इनएक्सपीरियंस देखा गया इस मैच में, और जैसे जैसे मैक्सवेल की बैटिंग बेटर होती गई वैसे वैसे उनकी फील्डिंग में क्रैक्स दिखते गए. एंड अनफॉर्चुनेटली ये वाला मैच उनको बहुत बड़ी लर्निंग रहेगी उनके फ्यूचर, जब वो वीडियोस जब अपनी टीम रूम में बैठ के एनालिसिस करेंगे सारे मैचेस का इन पास्ट. आई वुड से इन नेक्स्ट 10 ईयर्स दे वुड बी वॉचिंग दिस मैच कि इससे हमने क्या सीखा. इसी मैच को सीखने से अपन को और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, कैसे कैसे और प्लेयर्स टीम में होने चाहिए जो डीप ओवर्स में लास्ट ओवर्स में क्या पता विकेट ले लेते. क्या पता उनका जो जिनका मेंटल बैलेंस और ज्यादा अच्छा होता. ऑफकोर्स रशीद खान जैसे स्पिनर थे जो लास्ट के ओवर्स तक बॉलिंग कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली रशीद भी विकेट नहीं ले पाए, उनको नहीं पाए बिकॉज मैक्सवेल की किस्मत बहुत अच्छी थी और बैटिंग बहुत अच्छी थी. सो इन अ वे अनफॉर्चुनेटली फॉर अफगानिस्तान एंड वेल डन टू मैक्सवेल एंड ऑस्ट्रेलिया. बिल्कुल, इसके साथ ही मनदीप कौर, क्योंकि मैक्सवेल की बैटिंग की तारीफ हमने देखी है, हाँ, और हम IPL में तो देख ही चुके हैं कि वो कितना शानदार खेलते रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है जब उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं, वो 10-15 रन बनाकर भी, हम मैं अगर IPL की बात करूँ तो वो आउट हुए हैं, लेकिन आज जिस शानदार तरीके से वो खेलते हुए नजर आए, अफगानिस्तान एक बार फिर से सोचने को मजबूर हो गया कि उन्हें कैसे अपने खिलाड़ियों पर वर्कआउट करने की जरूरत है, क्योंकि एक लंबी पारी, आप सोचिए 201 रन वो भी लास्ट के ओवर्स में विकेट पर अगर बना के चले जाते हैं मैक्सवेल, तो बहुत ज्यादा खामियां हैं अफगानिस्तान की टीम में. मनदीप, जैसे हम मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो पैट क्यूमिंस का बहुत अच्छा रोल रहा है उनके साथ. 54 बॉल्स पे जो उन्होंने पार्टनरशिप दिया है, तभी मैक्सवेल उस चीज को कर पाए हैं इस मैच के अंदर. और अफगानिस्तान एक गुड साइड है अगर हम देखें उनकी बैटिंग बॉलिंग, बट हाँ आप ये कहेंगे जरा फील्डिंग नहीं करेंगे, जो चांसेस उन्होंने मैक्सवेल को दिए तो कोई भी बैटर होगा तो वो चांसेस के बाद रन जरूर करेगा. तो ये है कि फील्डिंग को अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ कर पाते. कहते हैं कि कैचेस मिन द मैचेस, तो आप चांसेस देंगे तो इट विल हैपन. और मैक्सवेल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने अपने इसको चांसेस को जो उन्होंने दिए हैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है और अपनी कंट्री को उन्होंने विन पे पहुंचाया है. तो अफगानिस्तान को सीखना चाहिए कि आपने जो बहुत जल्दी से ये सोच लिया कि आप जीत गए, जैसे राजकुमार सर ने बोला कि, और आज क्रिकेट में ये पता लगा कि एंड बॉल तक गेम कुछ नहीं होता, आखिरी बॉल तक गेम चलता है हमारा इसके अंदर. राजकुमार सर, इसी पे मैं आपसे भी जवाब चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से मैक्सवेल जब खेल रहे थे, मौका था अफगानिस्तान के पास, और एक कहीं ना कहीं ये मैसेज भी कि आपने रन ज्यादा बना दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे सेलिब्रेट करने लगे कि आपने जीत हासिल की. एंड बॉल तक कुछ भी हो सकता है, ये आप पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन क्या चूक नजर आई आपको अफगानिस्तान की तरफ से आज, जब मैक्सवेल जो वो शानदार पारी 201 रन उनकी तरफ से बनाए गए जब वो खेल रहे थे? देखिए, उन्होंने हमें बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए मैक्सवेल से कि उन्होंने एक ऐसी अद्भुत पारी खेली है जो हमेशा हिस्ट्री में लिखी जाएगी, एक बहुत बड़ी यादगार बन गई है सभी के लिए जिन्होंने भी ये मैच देखा है, जो इसके श्रोता बने हैं इस इनिंग के. लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनएक्सपीरियंस दिखा अफगानिस्तान का, कि वो एक बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने लगे, कैचेस छोड़े उन्होंने, मतलब इतना इजी चांसेस दो उन्होंने छोड़े. मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को अगर आप ऐसे चांसेस छोड़ेंगे, फिर जब उनको इंजरी हुई तब उन्हें उन एरियाज में गेंदबाजी की, वो आगे नहीं बढ़ के मार सकते थे, लेकिन उन्हें वहीं पर फीड किया गया जहां से वो आराम से छक्के मार पाए, चौके मार पाए. आप उनको थोड़ा सा स्ट्रेच करने का मौका देते, स्ट्रेच करने देते कि वो थोड़ा सा निकल कर मारे, या वो जो हार्ड लेंथ होते वो वहां पर गेंदबाजी नहीं की, रादर उनको फीड किया गया कि आप गुड लेंथ से आप उनको आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर कि मैक्सवेल बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने दिखाया कि वो इतना अनफिट होने के बाद भी कितने लंबे छक्के मार सकते हैं. ही इज अ ग्रेट प्लेयर, वो मैच विनर है, उसमें कोई शक है ही नहीं. और अगर आप उनको 3 से 4 चांस देंगे
तो वो आपको कहाँ छोड़ने वाले हैं, और कहीं ना कहीं बहुत उदास होगी आज अफगानिस्तान की टीम, बट दे मस्ट नॉट बिकॉज दे हैव डन वेल, बहुत अच्छा उन्होंने फाइट किया है, अनफॉर्चुनेटली दे हैव लॉस्ट, तो उन्हें मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, और यही चीजें हैं जहां से उन्हें सीखने को मिलेगा. आगे आने वाले समय में वो एक फोर्स बनकर उभरेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, और इन्हीं चीजों से टीमें सीखती हैं. जो न्यू कमर टीमें होती हैं वर्ल्ड सर्किट पे, जब वो आती हैं बड़े लेवल पे, बड़ी टीमों से खेलती हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब खेलती हैं, तो यही सब चीजें उन्हें सीखने की जरूरत होती है, जो एक बहुत बड़ा अच्छा लेसन सीखा होगा अफगानिस्तान ने. बिल्कुल सुनील अश्काला जी, क्योंकि हमने देखा मैक्सवेल दो दो बार फिजियो भी आए, लास्ट वीक आप मोमेंट पे देखेंगे तो वो लंगड़ाते हुए भी रन लेते हुए नजर आए. ये एक कह सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखती है मैक्सवेल की, क्योंकि क्या आप अपनी टीम को जिताने के लिए किसी भी हद तक, हालांकि हर कोई भी स्पोर्ट्समैन, कोई भी इस पर खिलाड़ी हो तो वो इसी तरह से नजर आएगा, लेकिन बेहद शानदार उनका परफॉर्मेंस आज रहा, और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है. टेबल पॉइंट्स की बात करेंगे तो 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए पहले मैक्सवेल की बात जितनी की जाए, मेरे ख्याल से इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप जब भी वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का याद होगा और बैटिंग का जब तक जिक्र होगा ये इनिंग यादगार रहेगी. अनफॉर्चुनेटली कपिल देव की इनिंग जो बंकिम ने अभी बताई वो हमने कभी वीडियो पे देखी नहीं, वो सिर्फ वो कुछ 2-3 हजार लोगों के बीच में रही है, बट ये यादगार हमेशा चलती रहेगी. अब आते हैं टीम स्टैंडिंग पर. जिस तरह से आप देखेंगे ये मामला कुछ, अगर ये 3 के तालिका पे है तो बहुत ठीक है, सेफ हो गए, बट एट द सेम टाइम 3 टीमों का एक एक मैच बचा है और नंबर 4 अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. इसका ये मतलब है कि हिंदुस्तान किससे खेलेगी वो हमें 12 तारीख को ही कंफर्म होगा, क्योंकि 12 तारीख को इंडिया का नेक्स्ट मैच है, और आप ये सिचुएशन में नहीं चाहते कि आप ऑस्ट्रेलिया से लड़े. और राजकुमार शर्मा जी इतने टाइम से यही कह रहे हैं कि हम किसी से भी फेस कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं करना चाहिए सेमीफाइनल में, क्योंकि ये वो बड़ा बड़ा माइंडसेट रखती है, वर्ल्ड कप विनर्स है, इनका एक्सपीरियंस है, बिग मैच टेम्परमेंट है. और आज आपने देखा मैक्सवेल एक पैर पे जो खेल रहे थे, अगर वो ठीक ठाक होते, वो उनकी इंजरी भी कैसे हुई है, क्योंकि वो गोल्फ कार्ट से चलते चलते वो गिर गए, मतलब जो गोल्फ की जो कार्ट होती है उससे गिर गए, तब उनके पैर में ये स्प्रेन आया. तो आप ये सोचिए अगर वो फुल फिट 100% होते तो ये मेरे ख्याल से 2-3-4 ओवर पहले ही खत्म हो जा रहा था गेम. जी बिल्कुल बंकिम चंद्र जी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है, इंडिया ने कर लिया है, और अब ऑस्ट्रेलिया ने 1 नंबर जो है वो 4th नंबर बचा हुआ है. क्या लग रहा है आपको, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसके साथ हो सकता है? मुझे लगता है सेमीफाइनल जो है वो इंडिया के साथ कौन हो सकती है अगेंस्ट में टीम? आई थिंक बेस्ड ऑन परमुटेशन कैलकुलेशंस, आई थिंक 2 या 3 टीम्स क्वालिफाई कर सकती हैं, बट मैं चाहूंगा कि अगर टीवी कवरेज के लिए तो इंडिया पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस वापस से हो सकता है, बट अगेन सेमीफाइनल है, इंडिया अभी तक इतना अच्छा खेली है कि बस एक और 2 मैचेस, 3 मैचेस बचे हुए हैं, ऑफ कोर्स एक और ग्रुप मैच बचा हुआ है, बट आई फील न्यूजीलैंड आएगी सेमीफाइनल में, एंड लेट्स होप वी आर इन द फाइनल्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आई एम अस्यूमिंग बिटवीन 2nd and 3rd. सर ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है बिग मैचेस का, एंड वी नो दैट वो ही एक ऐसी टीम है जो बिग मैचेस के लिए दे कम फुल 200%, फुल 300%, दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर सारी पॉसिबिलिटीज के लिए, कुछ भी हो सकता है उसमें वो बिल्कुल कुछ भी पूरी जी जान लगा देंगे. कि बट ये वाला वर्ल्ड कप I hope India jeete and we all are wishing for it. We have got all the right permutation combination. Sari practice bilkul bahut badhiya rahi hai. Sare matches bahut badhiya rahe hain. So let's hope India wins against New Zealand as the in the semifinals. जी राजकुमार सर से भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी, और राजकुमार सर इस बात को, क्योंकि कई सारी हमने मैचेस में डिस्कशन किया, वो ये कहते रहे कि बस दिन खराब नहीं होना चाहिए, बाकी तो हर लेवल पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया की टीम जो है वो बेहद शानदार परफॉर्म कर रही है, सभी खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं. आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं राजकुमार सर, क्या लग रहा है सेमीफाइनल में कौन होगा इंडिया के सामने?
देखिए अनन्या, मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि सेमीफाइनल में कौन होगा। मोस्ट लाइकली न्यूजीलैंड के ही चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि न्यूजीलैंड आएगा। न्यूजीलैंड बेहतरीन टीम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और इंडिया ने अच्छा मैच जीता था उनके साथ, और प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है इंडिया का उनके अगेंस्ट। अगर पिछले 4-5 मैचेस हम देखें तो हम उनसे हारे हैं आईसीसी चैंपियनशिप में। बट ये भारतीय कंडीशंस हैं, यहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होगी न्यूजीलैंड के लिए, और जिस फॉर्म में भारत है तो कंडीशंस की भी जरूरत नहीं है। अगर अपने पोटेंशियल पर भारत खेलता रहा, अपने जो कैपेबिलिटी है भारत की, जो जिस तरह टीम का मोराल है, अगर उसी तरह खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत को बहुत परेशानी होनी चाहिए फाइनल में पहुंचने में। सुनील अश्काला जी, क्या लगता है आपको, अगर न्यूजीलैंड होती है तो क्या टीम इंडिया के लिए कुछ चुनौतियां हो सकती हैं? हालांकि धर्मशाला में जो मैच हुआ वो तो बेहद शानदार रहा, टीम इंडिया ने मैच जीत लिया था। जी बहुत अच्छा रहा था वो मैच। इनफैक्ट अगर ऑस्ट्रेलिया भी हुई, जैसे सर ने अभी कहा, हम थोड़ा सा 2011 के क्वार्टर फाइनल में जाए, तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ही बड़ी बड़ी बेरहमी से उनको हमने मैच जीता था, और अश्विन और युवराज उस गेम में बहुत ही ज्यादा अच्छा खेले थे। बट वो था 2011। 2023 के अंदर इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है, जो इनकी स्ट्राइक रेट है, उनकी जो बॉलिंग पार्ट है, फील्डिंग एनालिसिस है, वो सबसे बढ़िया है। इनफैक्ट आपको ये जान के खुशी होगी कि आज अफगानिस्तान फील्डिंग की वजह से आ रहा है मैच, और इंडिया की जो कैचिंग परसेंटेज है, जो हाफ चांसेस को वो कन्वर्ट करते हैं, वो अराउंड 92% है, जिसका मतलब है कि हर 10 में से 9 मुश्किल कैच ये पकड़ लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के साथ नहीं रहा। तो अगर आप देखते हैं बैटिंग और बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग अगर आपकी मुकम्मल है तो आप आराम से आगे निकल जाएंगे। जी आपको क्या लगता है अनन्या? यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे साथ जो मनदीप कौर बैठी हुई हैं, ये दिल्ली सीनियर वुमेन टीम की फील्डिंग कोच हैं। तो यहाँ मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या गलतियां की आज अफगानिस्तान की टीम ने, क्या इतने इजी आसान कैचेस कैसे उन्होंने छोड़े, और इसके लिए क्या उन्हें करना चाहिए आगे आने वाले समय में? सर, जैसे हम कहते हैं कि बड़ा मुकाबला था, प्रेशर में थे, मैक्सवेल अच्छा खेल रहे थे, तो उन लोगों ने प्रेशर में जो ये कैचेस छोड़ी हैं, इस वजह से ये उनको आज देखना पड़ा है। इसमें रीजन लेकिन मंदीप मुझे लगता है प्रेशर तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया पे था, क्योंकि अच्छा खासा स्कोर जो है वो उन्होंने बना दिया था, मैक्सवेल थे मैदान में, तो क्या अफगानिस्तान पर एक तरह से उल्टा प्रेशर में आ गए अफगानिस्तान के खिलाड़ी? जिस तरीके से मैक्सवेल खेल रहे थे, उसकी वजह से अफगानिस्तान की टीम एक्सपीरियंस, ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से प्रेशर में आई, और वो सबको ग्राउंड पे नजर आ रहा था कि उन लोगों ने इतने चांसेस दिए, और आप इतने अच्छे बैट्समैन को इतने चांसेस देंगे तो मैच इसी कंडीशन से आपके हाथ से निकलता, सिचुएशन से। मैक्सवेल उस टाइम पर अपनी सिचुएशन में रहे, उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, वो बॉल के अकॉर्डिंग खेलते रहे और वो टारगेट की तरफ जाते गए, और धीरे धीरे अफगानिस्तान की टीम धीरे धीरे प्रेशर में आती रही और उनकी तरफ से मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेहद शानदार जो है वो मैक्सवेल आज खेलते हुए नजर आए, और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक उन्होंने जीत जो है वो अफगानिस्तान से छीन कर ऑस्ट्रेलिया के हाथ में दी। 201 रन जो है वो 128 बॉल पर उन्होंने बनाए, और एक तरह से एक ऐतिहासिक मोमेंट जो है वो इस वर्ल्ड कप 2023 के लिए मैक्सवेल ने क्रिएट कर दिया।